हो। राधे राधे सभी भाइयों ने वेरी 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 गुड आफ्टरनून, मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी, मैं सोच में पड़ी थी खुद, इसीलिए वेरी वेरी खींच रही थी बार बार। मम्मी और मैं आज जा रहे हैं कहीं घूमने। मैंने एक पहले व्लॉग में बताया था, अभी मैं कॉलेज से आई थी, कि मेरा कहीं घूमने का मन था। अब जहाँ मेरा घूमने का मन था, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करा, वहाँ तो हो नहीं पाया। और मैं भाई घूमने की पूरी शौकीन हूँ, और मैं भी, मेरी मम्मी और मैं मार्केट जाने के पूरे शौकीन है। तो आज हम जा रहे हैं कोई मार्केट, हमें पता नहीं है भाई, हम आज जा ही रहे हैं बस, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में बस। मम्मी और मेरा मूड है, हमें पेट्रोल फूक के आना है तो फूक के आना है बस। आज कहाँ चलते हैं, आज हमें कुछ नहीं पता सच्ची में, ईमानदारी से, ना हमारा कुछ प्लान है ना कुछ, बस ये लगा लो आप, यकीन मानो मत मानो, कपड़े पहन कर चल दिए हैं बस, वही वाली चीज करी आज हमने, है ना मम्मी। बस यार आते टाइम ट्रैफिक ना मिले दिल्ली में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलता है। गाइस मैंने थार में रखी हुई थी स्विफ्ट की चाबी, अब भाई मैंने ले ली स्विफ्ट अपनी, उठा ली, क्योंकि भाई लॉन्ग रूट पे मेरे को यही सही लगती है। तो अब हम इससे ही जा रहे हैं, पहले इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद जाएंगे। चाबी खोल लो। तो गाइस हमें घर से निकले हुए काफी देर हो गई, एक घंटे के अराउंड हो गया, है ना मम्मी। हाँ बेटा, एक घंटे के अराउंड हो गया। और ये देखो हम भाई काफी आगे आ चुके हैं, हम दिल्ली में तो एंटर हो ही चुके हैं। अब बस भाई जो यहाँ से बचा है 30 किलोमीटर का रास्ता, जो भी है ना एक घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वो ट्रैफिक वाला रास्ता है, तो इस वजह से हमें 30 मिनट के अराउंड लगेंगी। बाकी सही ड्राइव करके हम लोग आ गए, काफी आगे। और भाई लेकिन जिस मार्केट में आज हम लोग जा रहे हैं ना, वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए हो, हम जा रहे हैं कतरन मार्केट में। भाई बहुत सुना है इसके बारे में बहुत ज्यादा, मम्मी और मैं आज मूड बना के आए कि हम बहुत ज्यादा तसल्ली से वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। क्या मन है मम्मी आपका? बिल्कुल यही मन है बेटा, बस हमारा ये कि हम पहुँच जाए टाइम पे, भी ना करेंगे लेकिन देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं क्या वहाँ पे अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, पहुँच जाए वहाँ पे टाइम से। फिर मतलब जब तक बंद नहीं होगी ना शायद, जब तक तो हम 2 घंटे तो आराम से घूमेंगे उसमें मम्मी और मैं, आज हमारा ये मन है। तो गाइस अभी 4:45 बज चुके हैं, 4:45, और मेरी मम्मी का कहना है, मम्मी जब आप वहाँ पहुँच जाओगी कैसे डांस करोगी? कैसे ऐसे ना क्या बोल के? बढ़िया तरह से करूंगी ऐसे वो बोलते रही थी पहले, आप कहाँ आ गए? इसे छोड़ो, पहले बताओ, जल्दी बताओ। हाँ क्या बताऊँ? कैसे कौन सा गाना गा के करोगी डांस? देख गाना तो जब देखूंगी बढ़िया सा ढूंढूंगी क्या ना नहीं वाले गाने पे करोगे? हम कतरन मार्केट आ गए हैं, अब है कर लो, पता है पहले तो बोलती रहेंगी व्लॉग से पहले ये वो ये वो, और अब इनसे बोल दो कि 2 लाइन व्लॉग में बोल दो है अब हाथ ऊपर कर रही है बस, अब नहीं बोलेंगी। भाई मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करती है। नहीं लिया वो कर लूंगी सपोर्ट, अरे पापा मांगेंगी अब उन्हें पापा पापा कहाँ से ला के दूं, बहुत चीज मांगेंगी वो, छोड़ो अब जैसी तैसी हो, अब मम्मी ढूंढू या बन्ना, उम्र बन्ना ढूंढने की उम्र है, मैं मम्मी ढूंढू, अब तो बन्ना ढूंढना है मुझे, है बोलो। हाँ ढूंढ ले तुझे जो भी ढूंढना हाँ बन्ना ढूंढने की उम्र में कह रही है, मम्मी ढूंढो भाई बताओ। गाइस बनने का मतलब तो आप समझते ही होगे ना, ना समझते हो तो बहुत सीधे यार अभी हमें काफी टाइम लग जाएगा पहुंचने में, बहुत ही भीड़ है तनु, सही में जाम बहुत ज्यादा है, जाम है बहुत ज्यादा, हम लेट हो गए, लेट हो गए हम लोग बहुत ज्यादा, हमें मार्केट बंद होती हुई मिलेगी। हाँ गाइस हम लोग आखिर आ ही गए भैया, बड़ी मुश्किल से आए हैं मम्मी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, भगवान ने भी आज ही की थी, अब हम लोग यहाँ से लेट जाएंगे भाई, खाना पीना खा के आराम से, है ना मम्मी, बिल्कुल, क्योंकि भाई जाम मिलेगा वरना अब लेट जाएंगे ना तो थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा। गाइस सीरियसली इससे बड़ी आज तक मैंने मार्केट नहीं देखी है, चांदनी चौक से भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है सच में यार, इससे ज़्यादा अच्छी मुझे मार्केट अभी तक कोई भी नहीं लगी, और मैं यहाँ पे वापस बहुत जल्दी आने वाली हूँ। और भाई यहाँ पे एक आंटी मिल गई थी, इन्होंने हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर दी, जिस कपड़े में हम बहुत कंफ्यूज थे, पिंक कलर का कपड़ा बहुत बहुत सुंदर था यार, जब मैं इसमें से ड्रेस बनाऊंगी ना आप लोग तब देखना, तो इन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा आप इसको ले लो। और इसका अर्ज तो माय गॉड कितना बड़ा था यार, आज तक मैंने इतने बड़े अर्ज की कुछ भी ड्रेस रेस कुछ नहीं देखी, इसमें से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, 1 पीस मिडी या XYZ कुछ भी, बहुत अच्छा मार्केट है यार सच में, आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए ये।
और जब विजिट करो अच्छा खासा टाइम निकाल के आना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है मार्केट। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अवंती का भाई, आज हम घूम में ही जा रहे हैं क्योंकि हमें जो लेना था हमने वहां से ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं अवंती का, ये देखो अब आए अवंतिका मार्केट में, और ये भी बहुत अच्छी मार्केट थी। सीरियसली मैं तो खुद को शीशे में देख रही थी अपनी ड्रेस पहन पहन के, तो मेरे को बहुत अच्छा। शॉपिंग खत्म आपकी? खत्म पक्का। रिक्शे वाले से कहाँ के ले लेना है मम्मी, कहाँ जाना है हमें ये तो बताओ। अरे क्या ले रहे मुझसे, बताओ ना कहाँ जाना है मम्मी। कौन सा चौका भाई, मुझे याद ना आ रही मम्मी। गाड़ी कैसे मिलेगी अब, रिक्शा लो उधर से ही वरा जल्दी। तो गाइस ये भैया हमसे बहुत चिक चिक करा रहे हैं फिलहाल तो, और ये हम कुछ ले रहे हैं देख, 4 रुपए मीटर सोना सिल्क का जो आप देख रहे हो, सोना सिल्क। ओके ये सोना सिल्क पहनूंगी अब मैं। हम लोग आ गए नोएडा भाई, हमें चलते हुए काफी देर हो गई मम्मी। टाइम क्या हो गया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 1 घंटे के अराउंड हो गया हमें चलते हुए। बस हम अपने अब पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। बट यार आज हमारी शॉपिंग बहुत बढ़िया हो गई है ना मम्मी। हाँ आपको अच्छा कैसा लगा शॉपिंग करके? अच्छा लगा, सामान भी अच्छा मिला है ना। और भाई आज तो मम्मी ने मैंने खूब दिल खोल दिया अपना, खूब ज्यादा। और पर ये हमारा एक चीज बढ़ रही यार, जो हम लोग ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फंस गए थे ना, तो उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोग सोच रहे थे यार कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट बंद ना होने लगे तो इतनी जल्दी भी नहीं होती। बट हाँ सर्दियों के हिसाब से यार मतलब बहुत ज्यादा जल्दी भी बंद नहीं होती है ना मम्मी। हाँ सर्दियों में क्योंकि मोस्टली मार्केट जल्दी ही बंद हो जाती है, और ये ठीक टाइम पे हुई थी, थोड़ी देर और खुल जाती ना तो हमें और ज्यादा सही लगता, मतलब थोड़ा सा टाइम और। कहते हैं मार्केट जल्दी बंद होती है बेटा। हाँ अब याद रखेंगे कि भाई जब कतरन मार्केट जाना है तो थोड़ी सी जल्दी जाओ सुबह एंड अर्ली मॉर्निंग, और फिर वहाँ से कोशिश करो कि आप ना दोपहर वोपहर का टाइम वहीं स्पेंड कर दो, कहीं रिश्तेदारी बना लो या ढूंढ लो किसी रिश्तेदार से, मतलब प्यार बढ़ा लो। जब भी उधर जाओ तो वहीं रुक के आओ, और वहीं रुक के आओ मतलब दोपहर ही में, और फिर रात के टाइम पर अपना इधर साइड आ जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। वरना फिर एक साइड से तो भैया ट्रैफिक बनता ही बनता है, जाने में या आने में एक टाइम पे तो फिक्स है, ये तो क्लियर है भाई। जाने में बहुत ट्रैफिक हो, इतना गुस्सा आना शुरू हो गया मुझे तो इतना ज़्यादा, पर मैं कह यार करो मैनेज। अब तो हम ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखो बस आई लिए ग्रेटर नोएडा। यार आ तो गया आखिर हम, बट सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ये मतलब इतनी जल्दी इतना कोहरा पड़ना शुरू हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दिल छिपे से ही ऐसा लगता है कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है ना मम्मी जी। हाँ यार कोहरा ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी ना, आज मैंने बहुत ड्राइव करा है बहुत ज़्यादा, तो सर्वाइकल पेन होना शुरू हो गया है, और ये लिफ्ट ऑन लगाएगी आने में टाइम है देखिए। यस मॉम अब क्या आ रहा आपका आने के बाद में, आने के बाद अब देखो लोगों ने सुन तो लिया अभी जो आपने मुझे डांटा, सब कुछ देख लिया मैंने, खूब अच्छा अच्छा सामान आया है। ओके समझे, सब कुछ देख लिया मैंने, बस दिक्कत एक हो गई गाइस, मम्मी का चश्मा नहीं मिल रहा था, मम्मी चश्मा ढूंढ रही थी यहाँ पे। अब मम्मी कहती है मैं लेके गई थी या नहीं लेके गई थी, पहले मैं कहा देख लो देख लो देख लो, फिर मैंने कहा व्लॉगों में देखती हूँ रुक जाओ, मैंने अपने व्लॉग की जो क्लिप्स थी उनमें देखा मम्मी ने चश्मा लगा रखा था, मैंने कहा मम्मी मम्मी आपका तो चश्मा कार में रह गया भाई, रात हो गई है ठीक है, हम लोग अब फ्री हुए खाना वाना खा के। हाँ अब ना तो मैं नीचे जाऊंगी ना मम्मी जाएंगी, ठंड में हमारे बस की नहीं है। अब इसके बाद में सुबह मैं थोड़ी सी लेट उठूंगी जी सो के, मम्मी की आदत है मेरे सारे व्लॉग्स पे एक बार नजर मारने की, मेरे सारे वीडियोस चेक करने की भाई, अब मम्मी कर नहीं पाएंगी। मम्मा ये तो बहुत गलत हो गया। तो गाइज आपने एक काम करना सुनो, ताकि मम्मी आप कल दोपहर को देख पाएंगी जब मैं सो के उठूंगी, तो आप एक काम करना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मम्मी देख के खुश हो जाए, मम्मी को लगे आज मेरे सबर का मीठा फल मिला मुझे बहुत ज्यादा है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, सभी भाइयों ने राधे राधे।